हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करी एक सिंपल सा स्नैक्स। तो आप इसे चाय के साथ कभी भी ले सकते हैं, आप इसे इवनिंग में, मॉर्निंग में हल्की फुल्की भूख हो तब भी आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इधर पर मैंने मसूर दाल ली है, ये फ्राई की हुई दाल है, एंड साथ में ये रोस्टेड मूँगफली, आप देख सकते हैं मैंने इनको रोस्ट कर लिया था पहले ही, एंड साथ में ये पोहा और मुरमुरे। अब इन सभी को मिला के हम बढ़िया सी नमकीन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे, तेल हमें कम ही रखना है, इसको गरम कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा जैसे ही हमारा चटकने लगेगा, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे मीठी नीम। मीठी नीम बहुत ज़रूरी है इसमें ऐड करना, इससे जो हमारे नमकीन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे मीठी नीम और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें चूरा ऐड करेंगे, जो पोहा होता है कहीं कहीं इसे चूरा भी बोला जाता है, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा इसका मतलब भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अच्छे से इसको चलाते हुए ऐसे हम रोस्ट करेंगे, लगातार चलाना है वरना जो हमारा चूरा है वो नीचे से जल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगा है, इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम ये मुरमुरे ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है आप देख सकते हैं। तो अब इसी स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे रोस्टेड मूंगफली और मसूर की दाल, इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से और मिक्स कर देंगे। अभी बढ़िया सा मिक्स हो चुका है, तो इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले थोड़ा सा चाट मसाला, नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बस हमें इतना ही मसाला इसमें ऐड करना है और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बढ़िया से हमारी क्रिस्पी सी इस नमकीन बनके तैयार हो जाएगी, आप इसे इवनिंग में स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। और ये नमकीन बहुत ही कम तेल मसालों के साथ मिलकर बनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। और अगर आपको हल्की फुल्की भूख है सुबह शाम, कभी भी इसे ले सकते हैं चाय के साथ, तो बहुत ही अच्छी जाती है। तो आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें।